हाँ तो भाइयों, PUBG एंड BGMI में जब भी आप क्रेट ओपन करते हो तो मेरे हिसाब से आपका लक परसेंटेज होता है 5-10%। आसान भाषा में बोलूँ तो बहुत कम, लेकिन वहीं अगर मैं क्रेट ओपन करता हूँ तो मेरा लक परसेंट या फिर यू बोलूँ कि आउटफिट एंड गन स्किन्स निकलने के चांसेस हो जाते हैं 60-70%। बिलीव नहीं होता तो मेरा एक बार शॉर्ट्स वाला चैनल जाके देख लेना। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई लक तो अपना अपना होता है ना, क्या पता मेरा लक अच्छा हो और तुम्हारा खराब। तो देखो भाई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम पहले जब मैं यूसी से या फिर नॉर्मल कूपन से क्रेट ओपन करता था तो मेरे पास भी आप ही की तरह नाइकी के शूज के कलेक्शन हो गए थे। अब आप बोलोगे भाई अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरे पास नाइकी की जगह मिथिक एंड लेजेंडरी आउटफिट्स के कलेक्शन हो गए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीक्रेट तरीका नहीं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, जिसको आप एक ट्रिक का नाम भी दे सकते हो। और प्रूफ के लिए, हाल ही में मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं वो ट्रिक यूज नहीं करता हूं तो आउटफिट निकलने के परसेंटेज 60 से गिर के सीधे 5% पे आ जाते हैं। अब वो सिंपल सी ट्रिक क्या है और ऐसा क्या है उस तरीके में जिससे लक एकदम से नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो लेकर आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगा। अब बदले में मुझे आईफोन नहीं, आपका सब्सक्राइब बटन पर एक दबाव चाहिए। तो नए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक समोसे के लिए सब्सक्राइब करो और आप जैसा कि देख सकते हो कि भाई 1,00,000 बस होने ही वाले हैं, तो फटाफट से कंप्लीट करवाओ। ओके, तो क्रेट ओपनिंग की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो PUBG मोबाइल में जिस तरह आप VPN लगा के वियतनाम के सर्वर से स्कारल की स्किन लिया करते थे और साथ में जर्मनी का सर्वर आपको मिथिक सेट देता था और वहीं पे एशिया का सर्वर आपको सिल्वर फ्रेगमेंट्स के फायदे बताता था, क्योंकि उसे भी पता था कि भाई एट दी एंड तुम्हारे सिल्वर ही काम आएंगे। अब मैं आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि भाई जिस तरह PUBG मोबाइल में सर्वर मैटर करता था, ठीक उसी तरह बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI में भी कुछ चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बीप वाला पॉइंट मैं वीडियो के बीच में कहीं पे बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक अलग पॉइंट बता देता हूँ। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है क्रेट ओपनिंग स्टाइल। इसका मतलब ये कि क्रेट ओपन हमें सिंगल में करनी चाहिए या फिर 10 times वाली। तो इसका मैं आपको एक स्ट्रेट सा आंसर दे देता हूँ कि अगर आप क्रेट कूपन से ओपन कर रहे हो लाइक प्रीमियम एंड क्लासिक कूपन से, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मिनिमम 50 coupons होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास केवल 10-12 ही कूपन है तो गारंटीड आइटम्स के अलावा शायद ही आपको कुछ देखने को मिले। लेकिन हाँ, अगर आप उन 10 crates को मेरी फर्स्ट ट्रिक से यूज करोगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे कुछ अच्छा निकलने के। फर्स्ट ट्रिक मैं आपको 90 सेकंड के बाद बताने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको बता दी कि क्रेट ओपन करते टाइम आपके पास कूपन्स एंड यूसी ज्यादा होनी चाहिए एंड मैक्सिमम ट्राई करो 10 times वाली ओपनिंग करने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड तरीके के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप जब भी क्रेट ओपन करते हो तो आपके कैरेक्टर को कौन सा लेजेंडरी या मिथिक सेट पहनाते हो, तो आप बोलोगे कि भाई जो भी मेरा फेवरेट आउटफिट सेट है वो पहन के मैं क्रेट ओपन करता हूं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी जेन्युइन क्रेट ओपनिंग वाली वीडियो देखी होगी जहां पे प्लेयर को फर्स्ट क्रेट में ही मिथिक सेट मिल जाता है, तो आप एक बार उनके कैरेक्टर का आउटफिट चेकआउट करना। ज्यादातर प्लेयर्स क्रेट ओपन करने से पहले ही उनके कैरेक्टर का आउटफिट हटा देते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो मिथिक सेट पहन के क्रेट ओपन करता है, तो भाई मैं एज अ यूट्यूबर ये नहीं चाहूंगा कि भाई किसी एक टॉपिक पे मैं केवल एक ही वीडियो बनाऊं। मुझे अगर पहले ही वीडियो के अंदर क्लासिक क्रेट का मेन आउटफिट मिल गया तो वीडियो का सेकंड पार्ट मैं कैसे ही बनाऊंगा। तो क्रिएटर और प्लेयर्स के अंदर फर्क होता है, बात समझो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप क्रेट ओपन कर रहे हो तो अपने कैरेक्टर का क्लोथ एक बार हटा देना। और इसी के अंदर हमारा अगला पॉइंट भी ये है कि भाई क्रेट ओपन करते टाइम कैरेक्टर के हाथ में जो गन है उसकी एंड साथ में कार की स्किन्स वगैरह भी आप हटा देना, मतलब एकदम आपको 400 BP वाली लोबी बनकर ही क्रेट ओपन करना है। अब देखो, मैं नास्त्रदमस नहीं हूं कि भाई जो प्रिडिक्शन कर दी वो हो ही जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्रेट ओपन करने में और कुछ एफर्ट देके क्रेट ओपन करने में आपको फर्क देखने को मिल ही जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट के बारे में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे जब भी मैंने क्रेट ओपन करी है तो हर 2 में से 1 crate में मुझे कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला है। एंड ज्यादातर प्लेयर्स उसी टाइमिंग को फॉलो करके क्रेट ओपन करते हैं, एंड टाइमिंग आपको पता ही होगी केवल मॉर्निंग के 5:30 बजे। इसके अलावा जो भी सारे टाइमिंग्स है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अपडेट के बाद, लेकिन ये मॉर्निंग वाला टाइम अभी भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो मेरी ये वाली वीडियो को एक बार कमेंट सेक्शन जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने सही से टाइमिंग का यूज कैसे करना है सब कुछ बताया, तो एक बार इसको जाके चेकआउट कर लेना, तो इसका कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई टाइमिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आपकी लकीएस्ट क्रेट ओपनिंग कौन सी थी, उस क्रेट में आपको क्या मिला था और साथ में आपने कुछ स्पेशल किया था लाइक टाइमिंग वगैरह करी थी या फिर जैसे मूड हुआ आपने क्रेट ओपन कर दी। अब कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ये है कि क्रेट ओपन जब भी आप करो, अगर आप सिंगल में कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 4 crates ओपन करनी है एक टाइम पर। सेकंड ये कि रैंडम किसी भी टाइम पर आपको क्रेट ओपन नहीं करनी है, ट्राई करो जो टाइम मैंने आपको बताया है उसी को यूज करो। थर्ड बात ये कि जो भी क्रेट आप ओपन कर रहे हो उस क्रेट के सारे रिसोर्सेज आपके पास पहले से ही डाउनलोडेड होने चाहिए। फोर्थ ये कि कूपन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए अगर आपके पास कूपन्स की कमी है, तो ये 2 videos आके चेकआउट कर लेना, क्लासिक कूपन्स की एंड प्रीमियम कूपन्स की, आपको भर भर के कूपन्स मिल जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट ये कि वीडियो को 600 likes कंप्लीट करवा देना सेकंड पार्ट के लिए और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाली है। और हाँ, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में एक बार लकी ग्लैक्स जरूर से लिख देना। और अगर आप मुझे ये मैसेज इंस्टाग्राम पे भेजते हो तो आप में से किसी एक को 60 UC यानी कि 60 UC का वाउचर्स मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के साथ साथ जिस भी वीडियो का मेंशन मैंने इस वीडियो के अंदर करा है उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक एक करके जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके, तो वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।